नमस्कार दोस्तों, 3 मई 1937 शाम के करीब 8 बजे जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट से एक हिंडनबर्ग हवाई जहाज टेकअप करती है। यह हवाई जहाज जा रहा है अटलांटिक ओशियन के दूसरी ओर अमेरिका के शहर न्यू जर्सी में। इसमें बैठे हैं करीब 97 लोग, जिनमें से 36 पैसेंजर है और 61 क्रू मेंबर। जब हवाई जहाज शब्द का यहाँ मैं प्रयोग कर रहा हूँ, मेरा मतलब इससे कोई एरोप्लेन नहीं है, बल्कि हवाई जहाज का मतलब यहाँ पर एयरशिप हिंडनबर्ग से है। लंबाई में 295 मीटर लंबा, इसका साइज कंपेयर कीजिए आज के बोइंग 747 विमान से, तो आपको दिखेगा कि एक्चुअली में यह कितना बड़ा है। टाइटेनिक जहाज को अपने समय का बड़ा जहाज हुआ करता था, लंबाई में उससे सिर्फ 24 मीटर ही छोटा है। यही कारण है कि हिंडनबर्ग को क्वीन ऑफ स्काइज कहकर बुलाया जाता था। इसे नाजी जर्मनी का शान माना जाता था। हिंडनबर्ग एयरशिप के अंदर का नज़ारा काफ़ी कमाल का था। आसमान में उड़ते हुए लोगों को ऐसी लग्जरियत देखने को मिलती थी जो शायद ही आज के ज़माने में किसी ने देखा होगा। लोगों को सोने के लिए अलग अलग कमरे थे, एक सेपरेट डाइनिंग रूम था जहाँ सब लोग एक साथ खाना खा सकते थे। इसके अलावा रीडिंग एवं राइटिंग का एक अलग रूम हुआ करता था। और एक टिकट की प्राइस उस जमाने के अकॉर्डिंग $700 था, जो आज के ज़माने के अनुसार $7,000 से ज़्यादा का पड़ेगा। बेसिकली अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे इसमें ट्रेवल करना। 6 मई 1937, 3 दिन के लंबे सफ़र के बाद हजारों मील दूर हिंडनबर्ग पहुंचता है अमेरिका में। इसे लैंड करना है न्यू जर्सी के लेक हॉस्ट नेवल एयर स्टेशन। धीरे धीरे ये नीचे उतरना शुरू होता है। शाम के 7 बजे हैं, नीचे उतरते वक्त ज़मीन पर मौजूद लोग इसके रस्सियाँ पकड़ते हैं। इसके लैंडिंग करने का तरीका अलग ही होता था। आसपास बहुत लोग आए हैं इसके लैंडिंग देखने के लिए, क्योंकि यह बड़ा ही ऐतिहासिक जहाज है, तो कुछ कैमरामैन भी वहाँ मौजूद हैं। उस दिन हिंडनबर्ग का यह लैंडिंग कैमरे में भी फिल्म करी जा रही थी। मौसम इस समय थोड़ा खराब दिख रहा है, बादल छाए हुए हैं, तेज हवाएं चल रही है। जहाज के कैप्टन एक शार्प टर्न लेते हैं जहाज को हवाओं के साथ अलाइन करने के लिए। ग्राउंड पर मौजूद क्रू रस्सियों को सिक्योर करने के लिए भागते हैं। लैंडिंग होने ही वाली होती है, अचानक से एक बड़े धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। पलक झपकते ही पूरा एयरशिप आग के लपटों में घिर चुकी है। 30 सेकेंड, सिर्फ 34 सेकेंड में यह पूरा एयरशिप आग में पूरा खत्म हो जाता है। Death list is now 35, with 10 including Captain Proust. By Captain Haynes inspects the wreckage. हिंडनबर्ग डिजास्टर पूरी दुनिया हिला देता है। आखिर क्या कारण था इस हादसे के पीछे? एक्सपर्ट और इन्वेस्टिगेटर जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। 3 मेनली थ्योरी सामने आती है। पहली थ्योरी ये कहती है कि इस एयरशिप को सोबाटाज का शिकार बनाया गया है नाजी जर्मनी की शान मिटाने के लिए। यह एक खतरनाक प्लान का हिस्सा था। कुछ लोगों का मानना था कि कुछ एंटी नाजी एक्टिविज या किसी दूसरे देश ने हिंडनबर्ग जहाज में कोई बम छुपा रखा था, तभी अचानक से इतना बड़ा धमाका हुआ। कुछ लोगों का मानना था कि एडोल्फ हिटलर ने ही हिंडनबर्ग एयरशिप को बम से उड़ाया। तो जो लोग हिटलर को नहीं जानते हैं, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा हिटलर के ऊपर। इस वीडियो में मैं हिटलर के बारे में बात नहीं कर सकता, वरना टॉपिक लंबा हो जाएगा। चलिए वापस लौटते हैं टॉपिक की ओर। हिटलर के लोगों ने ही यहाँ पर एक बम प्लान किया अपने ही देश के जहाज को उड़ाने के लिए। असल में बात ये थी कि इस एयरशिप को बनाने वाली कंपनी के मालिक थे एक आदमी ह्यूगो एक्नर नाम से। यह एक ऐसे गिने चुने लोगों में से थे जो हिटलर के समय में ओपनली हिटलर और नाजी लोगों के खिलाफ बोलते थे। पब्लिकली हिटलर के खिलाफ आवाज उठाना आम बात नहीं थी उस जमाने में। यही रीजन है कि सन 1933 में जब नाजी पार्टी पावर में आई तो ह्यूगो एक्नर को अरेस्ट करने की कोशिश करी गई थी हिटलर के द्वारा। उस समय पर इनके अरेस्ट को ब्लॉक कर दिया गया था जर्मनी के प्रेसिडेंट पाउल ओन हिंडनबर्ग के द्वारा। सही सुना आपने, जो जर्मनी के प्रेसिडेंट थे उनका नाम हिंडनबर्ग था। इसीलिए आप गेस कर ही सकते हो कि यह नाम कहां से आया है इस एयरशिप का। 3 साल बाद सन 1936 में जब दुनिया का सबसे बड़ा एयरशिप बनकर तैयार हुआ, हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबलेस ने रिक्वेस्ट करी थी एक्नर से कि इस एयरशिप का नाम ही हिटलर के नाम पर रखने की। अब अगर हम दूसरी थ्योरी पर आए तो यह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की तरफ इशारा करती है जो एयरशिप के एटमॉस्फेयर से गुजरने से जनरेट हुई। स्टैटिक
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। कहा गया कि हाइंडनबर्ग के मेटल फ्रेम पर स्टैटिक चार्ज बिल्डअप हो गया था, एक स्पार्क हुआ, इसके अंदर मौजूद हाइड्रोजन गैस ब्लास्ट हो गया। यहाँ पर कहा जाता है कि एक शार्प टर्न लिया था पायलट ने, जिसकी वजह से यह हो गया। फिर बात आती है तीसरी थ्योरी की तरफ, जो एक लाइटनिंग स्ट्राइक के ऊपर फोकस करती है। मैंने बताया था उस दिन मौसम खराब था, माना जाता है कि बिजली कड़की होगी जिससे हाइड्रोजन पर आग लग गई। यहाँ तक आप मेरे वीडियो को देख लिए हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में ज़रूर बताओ कि अगले किस टॉपिक पर आपको वीडियो पसंद। जिस भी कमेंट पर ज़्यादा लाइक्स होंगे मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। बाय नाना, तब तक के लिए बाय बाय।